राजस्थान का चुनावी रण भाजपा खेमे के अंदर की खबर है। संगठन मंत्री चंद्रशेखर को मिली सख्त नसीहत। भाजपा केंद्रीय संगठन ने नसीहत दी है, चंद्रशेखर को टिकटों में सिफारिश नहीं करने को कहा। संगठन मंत्री के तौर पर उम्मीदवारों के सिर्फ नाम रिकमेंड करें, किसी भी व्यक्ति विशेष की सिफारिश नहीं करें। प्रदेश भाजपा में फैला हुआ है भ्रम, चंद्रशेखर की सिफारिश से टिकट मिलेंगे और कुछ संभावित नाम सामने आने से ये भ्रम और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन सिफारिशें नहीं चलेंगी और सिफारिशों पर नसीहत भी दे दी गई है कि किसी व्यक्ति विशेष की सिफारिश नहीं की जाए, क्योंकि प्रदेश भाजपा में ये भ्रम फैला है कि चंद्रशेखर की सिफारिश से टिकट मिलेंगे। और ऐसा भ्रम इसलिए कि कुछ संभावित नाम सामने आए और उससे ये भ्रम और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि टिकट कभी भी सामने आ सकते हैं, उम्मीदवारों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले हलचल बहुत है, उसको लेकर भ्रम बहुत है। वहीं मैनेजिंग एडिटर सुधांशु माथुर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, क्या कुछ ये जानकारी, क्या ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि चंद्रशेखर कहेंगे तो टिकट मिल सकेगा, और ये कब से फैला है और इसको लेकर नसीहत क्या दी गई? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक जो ढांचा है उसके अंदर प्रदेश संगठन मंत्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रदेश संगठन मंत्री आरएसएस से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कैडर के जो है नेता नहीं होते हैं। तो जो संगठन मंत्री का मुख्य रूप से काम होता है कि प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूत करना, और जितनी भी जो अगर चुनाव के दृष्टिगत हम देखें तो अगर उम्मीदवारों के नाम है तो संगठन मंत्री के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचते हैं। इस चुनाव के अंदर पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिला कि एक तरह से लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि अगर चंद्रशेखर जी को बायोडेटा दिया, चंद्रशेखर जी ने नाम की सिफारिश करी तो ही टिकट मिलेगा। यही कारण था कि आप देखिए पिछले 3-4 महीने से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें चंद्रशेखर से मिलने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। अभी जब कुछ संभावित नाम सामने आए तो कुछ संभावित उम्मीदवारों ने केंद्रीय नेतृत्व को ये शिकायत करी कि चंद्रशेखर जी के माध्यम से जो नाम आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो सकती है, क्योंकि वे भी अपने अपने क्षेत्र में मजबूत दावेदार है लेकिन उनके नाम की सिफारिश नहीं हो रही है। इसके बाद क्योंकि केंद्रीय जो संगठन है उसने इस चीज की जब तहकीकात कराई तो ये पाया कि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर जो संगठन मंत्री है उनको सीधी सीधी नसीहत दी कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष चीज के ऊपर किसी भी नाम की रिकमेंडेशन आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ जो लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके नाम लीजिए, उनके नामों का एक पैनल बनाइए और वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजिए। चूंकि क्या इसका अर्थ ये है कि चंद्रशेखर जो थे उन्होंने इसको लेकर कहीं सिफारिश की थी और इसीलिए उनको नसीहत दी, या वाकई में सिर्फ ये भ्रम था? नहीं देखिए, चूंकि भ्रम की स्थिति बनी थी लेकिन चूंकि ये बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर चूंकि संगठन मंत्री है तो उन्होंने भी जो नामों के पैनल बना के केंद्रीय संगठन को भेजे थे कि इन ये नाम जो है इनको कंसिडर किया जाए। जब ये बात सामने आई तब भ्रम की स्थिति और ज्यादा बनी और लोगों ने कहा कि हम भी अपने क्षेत्र में 2 बार के जो है विधायक रह चुके, आज उनकी जो है क्षेत्र में पकड़ भी अच्छी है लेकिन उनका नाम पैनल में नहीं जा रहा है। तब जाके इस चीज को स्पष्ट किया गया कि सिर्फ संगठन मंत्री, अब नाम क्योंकि ज्यादातर नाम जा चुके हैं लेकिन अब जो सिफारिशें हो रही थी वो सिफारिशें बंद होंगी। केंद्रीय नेतृत्व एक तो सर्वे के आधार पर, दूसरा जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है उनके जो उनकी जो नीति है या उनकी जो जांच है उनका जो सर्वे उसके आधार पर और ग्राउंड लेवल से जो फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर टिकट देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि श्री डूंगरगढ़ जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक नाम सबसे ज्यादा मजबूत है लेकिन उसको पैनल जो है वो अलग रखा, उसने फिर उस व्यक्ति ने जाके दिल्ली के अंदर शिकायत करी कि साहब मैं 5 टर्म का विधायक हूँ और मेरी क्षेत्र में पकड़ है लेकिन मुझे जो है वो बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो इस तरह से और जो शिकायतें आई उन्होंने फिर इस चीज जो है इस बात को लेकर
केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट संकेत स्पष्ट आदेश जारी कर दिए है कि कोई सिफारिश नहीं आएगी, ना वो संगठन के स्तर पर, ना ही कोई व्यक्ति विशेष के रूप के अंदर। तो जो भी अब टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सर्वे के आधार पर होगा और जीत की गणित के आधार पर जी। और एक संदेश भी दे दिया गया है कि किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी तमाम जानकारी।